नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई दिन भर की कुछ जरूरी और काम की खबरें। आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि खुद को एविएशन की न्यूज़ से अपडेट रखना चाहते हैं, वे सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो यहाँ पर आ रही है वो मुंबई एयरपोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि अभी तक बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन कब खत्म होगा। तो आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से इसको लेकर एक बड़ी सूचना दे दी गई है, जिसके तहत जिन लोगों को भी वैक्सीन लग चुकी है, यानी कि वैक्सीन की दोनों डोज यदि किसी पैसेंजर्स को लग चुकी है, तो अब उस पैसेंजर्स का मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। इससे पहले जितने भी पैसेंजर्स मुंबई एयरपोर्ट में ट्रैवल करते थे, चाहे उनको वैक्सीन लगी हो या फिर नहीं लगी होती थी, उन सभी लोगों का कंपल्सरी 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रखा जाता था। यदि ये पैसेंजर्स यूरोप, मिडल ईस्ट कंट्री या फिर साउथ अफ्रीका जैसे देशों से ट्रैवल करके आते थे तो। लेकिन अब नए नियमों के आधार पर अब केवल उन पैसेंजर्स का ही क्वारंटीन होगा जिनको की वैक्सीन नहीं लगी है। अगली खबर यहाँ पर आ रही है विस्तारा एयरलाइंस से। आपको बता दें कि विस्तारा एयरलाइंस बहुत ही जल्दी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की तैयारी कर रही है। विस्तारा एयरलाइंस कोरोना वायरस महामारी के आने के बाद बहुत कम ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट कर पा रही है। ऐसे में मौजूदा समय में विस्तारा एयरलाइंस के पास जिन छोटी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का रूट्स है, उसमें विस्तारा एयरलाइंस शारजहाँ, दोहा, बांग्लादेश, माले और दुबई जैसे लोकेशंस पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर विस्तारा का टारगेट है कि और भी दूसरे लोकेशंस के लिए अपनी उड़ानों को चालू करे, जिससे कि विस्तारा जो कि फुल करियर एयरलाइंस कंपनी है, वह अपनी उड़ानों को बैंकॉक, श्रीलंका और नेपाल के लिए भी चालू करने की तैयारी कर रही है। इन सभी लोकेशंस पर विस्तारा एयरलाइंस अगले 3 से 6 महीने में अपनी उड़ानों को चालू कर पाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि भारत सरकार इन सभी देशों से एयर बबल्स के तहत अपनी उड़ानों को चालू करवा पाए। और यहाँ पर अगली जो खबर आ रही है वो हैदराबाद एयरपोर्ट से आ रही है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इस समय जितने भी पैसेंजर्स यूके, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यूरोप जैसे देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं, उन सभी पैसेंजर्स का हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद फिर दोबारा से कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि इनमें से कई सारे पैसेंजर्स ऐसे भी होते थे जो कि अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करते थे, लेकिन जब उनका भारत में पहुंचने के बाद दोबारा कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाता था तो उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आता था। ऐसे एक और दो केसेस नहीं हैं, ऐसे कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं, जिस कारण से हैदराबाद एयरपोर्ट पर सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स का कोरोना वायरस का जांच किया जा रहा है। लेकिन वहीं यदि कोई पैसेंजर्स यूके, यूएस, मालदीव और सिंगापुर जैसे देशों से ट्रैवल करके आता है, तो ऐसे सभी पैसेंजर्स को केवल कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उनको घर जाने दिया जा रहा है। उनका कोरोना वायरस का जांच दोबारा नहीं किया जाता। दोस्तों, ये जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं ये खुद हैदराबाद एयरपोर्ट ने जारी की है। अगली खबर यहाँ पर वैक्सीन से ले लेते हैं। आपको बता दें कि भारत में बनने वाली वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, इस वैक्सीन की डिमांड इस समय दुनिया के कई सारे देशों में है, जैसे कि साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील जैसे देश इस समय सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी जो खबर आ रही है उस खबर के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट अगली वैक्सीन की शिपमेंट को डिले करने वाली है, क्योंकि इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट के ऊपर ये इल्ज़ाम लग चुका है कि भारत में इस समय वैक्सीन की सबसे ज़्यादा मांग है, लेकिन इसके बावजूद भी सीरम इंस्टीट्यूट अपनी वैक्सीन को दूसरे देशों में बेच रही है, जिस कारण से अब यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट पहली प्रायोरिटी भारत को दे रही है। और एक बार भारत को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल जाएगी, उसके बाद ही दूसरे देशों को वैक्सीन की डिलीवरी की जाएगी। अगली खबर जो आ रही है वो गोवा और मॉस्को के बीच में नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि गोवा से मॉस्को के लिए नई उड़ानें अब 14 अप्रैल से चालू की जा रही हैं। ये नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत रहने वाली है, जिसमें कि दोनों देशों के बीच में अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट होंगी। इससे पहले मॉस्को के लिए केवल दिल्ली से ही उड़ानें ऑपरेट होती थी, लेकिन अब गोवा से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो रही है। अगली जो खबर आ रही है वो श्रीलंका से आ रही है।
आपको बता दें कि कई मीडिया सूत्रों से ऐसी जानकारी आ रही है कि भारत और श्रीलंका के बीच में एयर बबल्स एग्रीमेंट मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में होने की उम्मीद है। यानी कि यदि ऐसा हो जाता है तो दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर दोबारा से चालू हो जाएंगी। इस समय श्रीलंका से केवल कार्गो की फ्लाइटें ही ऑपरेट हो रही है और पैसेंजर्स फ्लाइटें फिलहाल के लिए बंद है। आपको बताना चाहेंगे कि दोनों देशों के बीच में काफी मात्रा में लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं। यदि एयर बबल्स के तहत उड़ाने चालू होती है तो भारत और श्रीलंका के पैसेंजर्स के लिए काफी अच्छी खबर होने वाली है। इसके अलावा अगली जो खबर आ रही है वो यूएई की एयरलाइंस कंपनी फ्लाई दुबई से आ रही है। फ्लाई दुबई एयरलाइंस अपनी टिकट सेल निकाल चुकी है, जिसमें कि फ्लाई दुबई केवल 755 दिरहम में ही अपनी फ्लाइट की टिकट बेच रही है। इसमें फ्लाई दुबई दुनिया के कई ऐसे लोकेशंस के लिए फ्लाइटें ऑपरेट कर रही है जहां से अभी तक फ्लाइटें चालू नहीं हो पा रही थी। आपको बता दें कि ये ऑफर 1 अप्रैल तक रहने वाला है। यदि आप फ्लाई दुबई से ट्रैवल करने वाले हैं तो आप एक बार ऑनलाइन जाकर अपनी फ्लाइट की टिकट चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको वहाँ पर काफ़ी सस्ती टिकट मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस बात की जानकारी दे दी है कि भारत में अब 4,36,00,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा वैक्सीन उन लोगों को लगी है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। ऐसे लोगों की तकरीबन 1,70,00,000 की संख्या है जिनको कि ये वैक्सीन लग गई है। इसके अलावा इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ साथ ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र 45 साल और 60 साल के बीच में है। इन सभी लोगों को भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए ही कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने की स्पीड और तेज कर दी गई है और कई जगहों पर कोरोना वायरस की वैक्सीन देर रात तक लगाई जा रही है, जिससे कि जितने भी लोगों का एक दिन का शेड्यूल है उन सभी लोगों को उसी दिन वैक्सीन लग जाए। अगली और आखिरी खबर यहाँ पर स्पाइसजेट से ले लेते हैं। स्पाइसजेट ने बीते कल अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से इस बात की जानकारी दी है कि वह अभी भी दरभंगा से भारत के कई ऐसे एयरपोर्ट से अपनी उड़ानों को चालू कर रही है जहां पर अभी भी दूसरी एयरलाइंस कंपनियां अपनी उड़ानों को ऑपरेट नहीं कर पा रही थी। आपको बता दें कि इन लोकेशंस में शामिल है हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली। यदि आप दरभंगा एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो इस समय स्पाइसजेट आपका एकमात्र साथी है जो कि आपको इन सभी लोकेशन से दरभंगा एयरपोर्ट की सैर करा सकता है। आपको बता दें कि होली को देखते हुए ही बहुत सारे टिकट की सेल शुरू हो रही है। इस समय दरभंगा एयरपोर्ट पर जाने वाले पैसेंजर्स की जितनी भी फ्लाइटें हैं वे सभी की सभी फ्लाइटें फुल जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की एयरलाइन से जुड़ी हुई दिन भर की कुछ जरूरी और आपके काम की खबरें। ऐसी और खबरें यदि आप रेगुलर बेसिस पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबाकर रख सकते हैं और दूसरे लोगों को ये वीडियो आप जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई सारी जानकारी समय पर मिलती रहे।